दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या ने फाइनली नीति मोहन को द कपिल शर्मा शो पर सभी के सामने कर दिया है फिर से प्रपोज शादी के लिए, जहां इनके शादी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें सभी के सामने होने वाली हैं। रेविन आपको बता दें कि बी टाउन में अब जल्द ही होने वाली है एक और शादी, जिसकी शुरुआत करने वाली है नीति मोहन। और आपको बता दें कि नीति मोहन के कोई और नहीं बल्कि निहार पांडे होने वाले हैं दूल्हे। जी, दीपिका पादुकोण का एक्स बॉयफ्रेंड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हमने पहले ही बताया था कि नीति मोहन और निहार ने इसी साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर शादी करने का फैसला किया है, जहां पर इन दोनों कपल्स को एक साथ बुलाया गया था कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो सीजन 2 पर, जहां इन्होंने अपने रिक्रिएट किए हैं उन खास मैजिकल मोमेंट्स को, जहां पर निहार अपने घुटनों पर बैठ के शादी के लिए सिंगर को प्रपोज करते नजर आने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, द कपिल शर्मा शो के अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि किस तरह नीति मोहन और निहार पांड्या एक साथ नजर आएंगे और इन दोनों के साथ कॉमेडी का तड़का लगाते हुए कपिल इनकी शादी और इनके अफेयर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जरूर पूछेंगे, जहां पे कपिल इन दोनों से पूछते हैं कि आखिर मीडिया वालों से हाइड एंड सीक खेलने के बाद अब फाइनल दर्शकों को बता दिए कि आपकी लव स्टोरी में क्या क्या रहा खास और किस तरह से हुई थी इस रिश्ते की शुरुआत। वेल, यहां पे काफी सारी चीजें मिस्टर पांडे ने क्लियर करते हुए बताया कि किस तरह से एक म्यूचुअल फ्रेंड के दौरान हमारी मुलाकात हुई उसकी शादी में और फाइनली फिर इन दोनों के दिलों में बजा था प्यार का गिटार। बता दें कि किस तरह से निहार ने ये भी बताया कि घुटनों पर बैठ के उन्होंने पूछा था कि तू शादी करेगी मुझसे, जहां पर वो शर्माते हुए फाइनली उन्होंने हाँ कर दी और इस मोमेंट के दौरान उन पर फूलों की बारिश भी हुई थी। बता दें कि अब निहार कंगना रनौत स्टारर फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में नजर आने वाले हैं। वहीं नीति ने भी अपनी म्यूजिकल जर्नी को काफी ज्यादा एस्टैब्लिश कर लिया है। आपको बता दें कि ये दोनों 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध के हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। वेल, हम तो काफी एक्साइटेड हैं इन शादी की तस्वीरों को देखने के लिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।